कितनी बाइकें चेंज करी होगी? मैंने लगभग छः बाइक इन्होंने चेंज करी होगी, उसके बाद फिर घूम फिर के एक ही के ऊपर मैंने जानी आ गया। तो ये वाली बाइक है भाई स्टैंडर्ड जो लेने वाले हैं। हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल, वेलकम टू डेविल्स लाइफ। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा एक बाइक की डिलीवरी। और बाइक कौन लेने वाला है? ये एटीट्यूडियो टैटू स्टूडियो के मालिक वरुण अरोड़ा। तो अभी हम आए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, यहाँ पे बाइक सेलेक्ट कर ली है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। तो जैसी डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ बाइक कौन सी होने वाली है, और वो बाइक एवर ग्रीन बाइक है। मानता है? कितनी रॉयल एनफील्ड की बाइकें बड़ी मार ली, इससे बढ़िया मतलब कोई बाइक मिली? कितनी बाइकें चेंज करी होगी? मैंने लगभग छः बाइक इन्होंने चेंज कर ली, उसके बाद फिर घूम फिर के एक ही के ऊपर मन है। तो चलो अब आपको दिखाते हैं बाइक कौन सी होने वाली है। कौन सी बाइक होने वाली है भाई फिर? ये वाली? नहीं 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 नहीं, इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये वाली बाइक है भाई स्टैंडर्ड जो लेने वाले हैं, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना स्टैंडर्ड लुक। इसका नाम ही बुलेट रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड है, और इसकी फिर मॉडिफिकेशन भी होने वाली है। सबसे पहले क्या होगा मॉडिफिकेशन में? अलॉय लगेंगे। और इसका छोटा हैंडल आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी उतरेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शीशे उतार के जाना है। चलो भाई, तो बाद में आपको मॉडिफिकेशन की भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो भाई यहाँ पे पेपर वर्क हो गया पूरा है भाई। yes. अब लेनी है सीधे डिलीवरी। yes. तो भाई बाइक हो चुकी है रेडी, अब आपको दिखाता हूँ बाइक। तो ये देखो भाई, हाँ भाई होगी रेडी। हाँ भाई हो रही है। तो कितनी देर में निकलना फिर? 10 मिनट पक्का। ये रे भैया जिन्होंने बाइक करवाई है, कितनी देर और रुकवाओगे? 10-15 मिनट में फ्री कर रहे हैं। 10-15 मिनट में पक्का? पक्का। कहीं पहले की तरह 2 घंटे? नहीं नहीं, 10 मिनट फ्री है, सब कुछ ओके आपका। चलो तो भी ठीक है भाई, 10 या 15 मिनट में निकलते हैं यहाँ से, और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बंगला साहब गुरुद्वारा, है कि नहीं? वहाँ जाना तो भाई बिल्कुल बिल्कुल बनता है। तो आपको थोड़ी बहुत ग्लिम्स वहाँ की भी दे देंगे कि बंगला साहब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस नई रॉयल एनफील्ड पे।